हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं आलू बीन्स मटर टमाटर की रसेदार सब्जी मसाला वाली, जो हर किसी के घर में बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई बैठाते हैं गैस पे और फ्लेम को करते हैं बिल्कुल भी हाई, और उसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जब सरसों का तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इस पे क्या करेंगे, मेथी के कुछ दाने डाल देंगे, जो बेहद ही हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ली हूँ 250 ग्राम बीन्स, और ये देखिए मैंने 3 कटे आलू लिए थे जिसे मैंने अच्छे से धो लिए थे और मनपसंद शेप में मैंने इसे काट लिया। मैं इसको आलू इसमें डाल के इसे अच्छे से फ्राई करूँगी और 2 मिनट के लिए मैं इसे ढकूँगी ताकि थोड़े से गल जाए। 2 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये है बीन्स। में बीन्स जो हमारे सेहत के लिए बेहद ही अच्छे होते हैं, मैं इसे अच्छे से काट ली हूँ और इसे धो ली हूँ। अब मैं चलती हूँ मसाले की तरफ। मसाले में लेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 लहसुन का पोट और 3 लाल मिर्च। अच्छे से मैं इनका पेस्ट तैयार कर लूँगी और लहसुन को भी मैं अच्छे से छील लूँगी। दोस्तों, यहाँ मेरे मसाले अच्छे से पीस गए हैं। मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी का पाउडर। देखिए दोस्तों, यहाँ मेरे आलू कुछ समय के लिए गल गए थे तो मैं इसमें जो बीन्स है ना, जिसको मैंने अपन पसंद शेप में काटा है और अच्छे से इसे धो लिया था, इसको भी इसमें ऐड करके इसे फ्राई करूँगी। जब दोस्तों ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब मैं साइड में क्या करूँगी, एक टमाटर लूँगी और उसे अच्छे से काट लूँगी। यहाँ देखिए फ्रेंड, मेरे आलू और बीन्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। दोस्तों, अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो हम इसे में नमक डाल के इसे इस तरीके से खिला सकते हैं, बिना मसाले वाली भी। देखिए कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कदम की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, जब मेरे आलू और बीन्स अच्छे से फ्राई हो गए थे तो मैंने इसमें मसाले को ऐड कर दिया, और उसी मसाले वाले पॉट में मैंने 2 से 3 स्पून पानी डाल के उसको भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। और दोस्तों, इसमें जाएगा 1 कटा हुआ टमाटर बड़ा सा। देखिए फ्रेंड, मैंने इस पे टमाटर भी ऐड कर दिया है। मसाले के साथ ये भी टमाटर भी फ्राई होते रहेंगे। अब मैं इसमें लास्ट डालूँगी नमक। करीब मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिए हैं, आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मसाले को मैं अब पानी नहीं डालूंगी, इसे अच्छे से भूनूंगी। जब मेरे मसाले अच्छे से भून जाएंगे तब मैं इसमें लास्ट में पानी ऐड करूंगी। दोस्तों देख, है ना कितनी इजी रेसिपी। देखिए फ्रेंड, अभी मेरे मसाले अच्छे से भून रहे हैं तो मैं इसमें 1/2 कटोरी हरी मटर इसमें ऐड कर दी, इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। सूखी हो गई बट मैं इसे ग्रेवी वाली बनाऊंगी। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए ढकूंगी भी। पानी मैंने यहाँ पे डाल दिए थे 1 कटोरी भर के, और मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए ढक के रखी थी फ्लेम को लो करके। देखिए 10 मिनट होने के बाद मेरी सब्जी अच्छे से इस तरीके से पक गई है, बिल्कुल भी रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप किस इंडिया में कहाँ से हो आप वो भी ज़रूर लिखना, और इसे आप रोटी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक